जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। वहां पर जाने के बाद पत्नी देखती है, क्या आपने उनको, आपके मित्र ने आपको क्या दिया था, आपके भक्त ने आपको क्या दिया था? उन्होंने कह दिया, उन्होंने गट्टा गन्ना दिया था। अब कितने बच्चे हैं, कितने लाए हो? सिर्फ एक बचा हुआ है, बाकी कहाँ गए? तो उन्होंने कह दिया, उसके हाथ से, तुकाराम के महाराज के हाथ से उस गन्ने को छुड़ा लेती है और जोर से उनके कंधे पर मार डालती है। इसको देख करके इतने क्रुद्ध हो जाती है, सारे गन्ने तुमने बांट डाला और सिर्फ ये गन्ने को लेकर के आई। वो गन्ना टूट करके नीचे गिर जाता है। तब उसने, तुकाराम जी ने क्या कर दिया, तुम कितनी अच्छी हो, ये गन्ने को तुमने दो भाग कर दिए, एक टुकड़ा तेरे लिए, एक टुकड़ा मेरे लिए। बंधुओं, में भी आपसे ये कहना चाहूंगा, यदि आपको कोई क्रोध दिला दे तो आप भी इतना कर देना। क्या करना है महाराज? कुछ नहीं करना है कि यदि आप क्रोध कम करना चाहते हो, जो आपको क्रोध दिलाता है उनको देख करके एक बार मुस्कुरा देना, तुम्हारा भी और उनका भी, दोनों का क्रोध एक बार उनको देख करके मुस्कुरा देना। तुम्हारा सास कुछ बोलती है, तुम्हारे क्रोध दिला रही, आप कितनी अच्छी हो कहकर के एक बार मुस्कुरा देना, उन पर प्यार बरसा देना और उन्हें शुक्रिया अदा कर देना, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। बंधुओं, निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं मुरैना विद्यालय में पढ़ता था, 85 और 86 में यहां पर पढ़ा। गोपालदास बरैया, आज यहां पर भी आपके यहां समय ही, यहां पर समाज बरैया समाज है, और ऐसे व्यक्तित्व, इतने महान विद्वान होने के बाद भी इतनी सहिष्णुता। मुरैना की वास्तव में ठंडी भी बहुत पड़ती है और उनके पत्नी बहुत क्रुद्ध रहती थी और वो भी ऐसे ही काम करती थी और कभी भी उनका उनसे नहीं बन पाता था। और पंडित जी बहुत ही विद्वान, बहुत ही सज्जन थे, सहिष्णु थे, और कभी प्रवचन की वजह से वह 7-8 दिन तक बाहर के लिए चले गए और कड़ाके की ठंड का दिन और रात में 12 बजे आकर के पंडित जी ने, गोपालदास बरैया ने पत्नी के दरवाजा को खटखटाया और पत्नी ने गुस्से में कह दिया, मैं नहीं खोलूंगी। फिर भी उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कह दिया, क्यों परेशान करते हो, नहीं खोलूंगी मैं। उन्होंने बोला, मैं आया हूँ। और इसके बाद गुस्से में आती है वो, और कड़कड़ा की ठंड तो थी और वो गुस्से में उठ जाती, दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा, लेकिन उसने क्या की, एक ठंडे पानी भरे हुआ बाल्टी भरा हुआ ठंडे पानी की बाल्टी लेकर के साथ में आती है और दरवाजा खोलती है। पंडित जी कड़ाके के ठंड के कारण वो आया था, टुटुरता हवा और दरवाजा खुला रहा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोली और वैसे ही पंडित जी अंदर आने लगे, तो उसने, पत्नी ने क्या कर दिया, ठंडे पानी से पूरे उन पर डाल दिया। उसको देख करके गोपालदास बरैया ने कह दिया, अभी तक तो तुम गरजती थी, आज बरस भी गई, बहुत अच्छा लगा। अभी तक तो तुम गरजती थी, बरसती नहीं थी, आज तुमने अच्छा काम कर दिया, आज बरस भी गई। बंधुओं, क्रोध से क्रोध शांत नहीं हो सकता है, क्रोध से क्रोध शांत नहीं हो सकता है। यदि तुम्हें क्रोध दिलाता है, उनको देख करके एक बार मुस्कुरा देना, एक बार उन पर प्यार बरसा देना, एक बार उनको शुक्रिया अदा करके देख लेना, क्रोध समाप्त हो जाता है। पार्श्वनाथ भगवान ने कमट के ऊपर, कमट ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर इतना उपसर्ग किया, लेकिन वो कभी क्रोध नहीं किया, उनके भी कल्याण की भावना बाते रहे। बंधुओं, इसी से हमारा कल्याण होने वाला है। वास्तव में तुम यदि क्रोध से बचना चाहते हो, क्रोध कम करना चाहते हो, कर्तव्य करना, लेकिन कभी कर्ता नहीं बनना।
कर्ता बनने के कारण क्रोध आता है, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर सकता हूं। ये कर्तापन के भाव को कम कर देना, तुम्हारा क्रोध कम हो जाएगा। और दूसरी बात, क्रोध कब आते हैं मालूम है क्या? गलत फहमी किसी के प्रति मत पालना, अपने बच्चों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, किसी के भी प्रति गलत फहमी नहीं पालना, गलत धारणा नहीं बनाना। गलत धारणा के कारण आपको क्रोध आता है, गलत फहमी के कारण तुम्हें क्रोध आता है। यदि क्रोध कम करना चाहते हो तो गलत धारणा को दूर कर लेना, तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाएगा। औरों से अधिक अपेक्षा नहीं करना। तुम्हें क्रोध क्यों आता है? औरों से अधिक अपेक्षा है। मेरे हाथ में टॉयल दे, मेरे हाथ में चाय दे, मेरे हाथ में नाश्ता दे, मेरे हाथ में बैग दे, मेरे हाथ में कपड़े दे, मेरे हाथ में सब कुछ मेरे हाथ में चाहिए। मेरे लिए अच्छे से बोले, मेरे से अच्छे से बात करे। लेकिन ये तो विचार करो, औरों से अपेक्षा रखने वाले तुम दूसरों की अपेक्षा पर तुम कितने खरे उतर रहे हो? दूसरों की अपेक्षा पर तुम कितने खरे उतर रहे हो? इतना देख लेना, निश्चित रूप से तुम्हारा क्रोध कम हो जाएगा। तुम औरों से अपेक्षा अधिक मत रखो, क्रोध कम हो जाएगा। हम चाहते हैं हमें सब साथ दे, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम कितने साथ देते हैं किसके लिए। बंधुओं, तुम कितने भी अपेक्षा रखो, लेकिन दूसरों की अपेक्षा पर तुम कितने खरे उतरते हैं तो देखो। हम पत्नी से इतने अपेक्षा रखते हैं, हम बहू से इतने अपेक्षा रखते हैं, हम अड़ोस पड़ोस से इतने अपेक्षा रखते हैं, हम बच्चों से इतने अपेक्षा रखते हैं। सारे काम तैयार मिले, लेकिन हम दूसरों के लिए तैयार करके कितने काम देते हैं? थोड़ा सा विचार कर लेना। दूसरों से, औरों से अधिक अपेक्षा मत रखना, तुम्हारा क्रोध कम हो जाएगा। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, अपना काम अपने हाथ से कर लेना, तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। अपना काम अपने हाथ से कर लेना, तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। और अपने काम अपने हाथ से करते हुए भी समय पर कर लेना, तुम्हें कभी क्रोध नहीं आएगा। लेकिन हमें 7 बजे गाड़ी है, जाना है, लेकिन हम 7:45 बजे उठे हैं। क्या 7 बजे जाना है, गाड़ी है, और 7:45 बजे उठे हैं, और हंगामा शुरू हो गया उठते ही। बच्चों पर ललकारे, पत्नी पर, नौकरों पर, ड्राइवर पर, हर व्यक्ति पर क्रोध कर रहे हैं। ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है? यदि तुम समय से उठते, 1 घंटे पहले उठते, क्रोध क्यों आता है? बंधुओं, हम अपना काम असमय में करते हैं, इसलिए हमें क्रोध आता है। हम औरों से अपेक्षा अधिक रखते हैं, इसलिए हमें क्रोध आता है। औरों से अपेक्षा अधिक मत रखो, गलत फहमियों को दूर करो और गलत धारणाएं मत बनाओ। और दूसरी बात कि अपने काम अपने हाथ से कर लेना। और तुकाराम महाराज जैसे और गोपालदास बरैया जैसे सामने वाला यदि क्रोध के आदि हो गया, क्रोध करता है, उनको भी देख करके मुस्कुरा देना और उन पर भी प्यार बरसा देना। और उस दवाई की बोतल को याद रखना, जब भी तुम्हें क्रोध आ जाए तो बोतल को मुंह में डाल करके दवाई पीते रहना, अर्थात मौन रहना, बोलना बंद कर देना, निश्चित रूप से तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाएगा। क्रोध एक कैंसर के समान है, क्रोध एक कैंसर के समान महान भयानक बीमारी के समान है। यह हर किसी को लग जाता है, छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो। आज इन बातों को याद रखेंगे हम कि वास्तव में इस क्रोध के कारण हम अपना जीवन बर्बाद कर लिया है।
और क्रोध के कारण घर टूट जाते हैं। और इतना ही नहीं, क्रोध के कारण वास्तव में भगवान महावीर और प्रभु रामचंद्र आदि क्रोध क्षमा के अवतार थे, और रावण दुर्योधन कंस ये सब क्रोध के अवतार थे। बंधु, हम क्षमा के माध्यम से हम भगवान महावीर बन सकते हैं और प्रभु रामचंद्र बन सकते हैं। क्रोध हमें रावण बना देता है, क्षमा हमें महावीर बना देता है। बंधुओं, याद रखना, मैं का विमोचन क्षमा से ही संभव है, और क्षमा से ही मैं का विमोचन हो सकता है, और बिना क्षमा के मोक्ष नहीं हो सकती है, बिना क्षमा के मानवता नहीं आ सकती है। यदि तुम मानवता को धारण करना चाहते हो और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या कर दो, मैं का त्याग करो, क्रोध का त्याग करके क्षमा को धारण करो, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। अहिंसा परमो धर्म की। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः।